उन सभी के पास जाकर पुलिस उनको डराती है, धमकाती है, कभी कभी प्यार भरी धमकियां देती है। तो पिछली बार भी कहा था, उसके पहले के दौरे में भी कहा था, आज भी कहेंगे, आने वाले दिनों में भी कहेंगे, ये सारे हमारे लिए, हमारे आंदोलन के लिए होता है। नरेंद्र मोदी को फर्क पड़ता है, उनको आंदोलनकारी जिग्नेश मेवाणी से जरूर फर्क पड़ता है। तो साथियों, हम यहां आपके स्थान में जो लोग, पूरे राजस्थान के अंदर जो लोग त्रिशूल और तलवार की संस्कृति लेकर घूमते हैं, उनके सामने कोई कार्रवाई नहीं होती। और हम लोग बाबा साहब और भगत सिंह का नाम लेकर, इन मुद्दों को लेकर आने वाले दिनों में वो लोग आगे बढ़े, यही टीम राजस्थान के गठन का हमारा। आपने इस काम के लिए राजस्थान को क्यों चुना? मतलब राजस्थान को चुना नहीं, हम तो पूरे देश में जाते। जब पूना की घटना हुई और मैं एक तरह विरोधी भाजपा को एक भी वोट ना, आने वाले दिनों में आपको कांग्रेस का प्रचार करना पड़े, नहीं कोई गठबंधन की बात है, जब हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है तो गठबंधन ना, आने वाले दिनों में आपको कांग्रेस का प्रचार करना पड़े राजस्थान में। किसी भी पॉलिटिक के युवा वर्ग का सबसे बड़ा सवाल क्या है? तो बेरोजगारी है जी, ठीक है। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, पांच साल होने आए, 9 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था। उसका 1% कितना होता है? 9 लाख होता है। 1% रोजगार भी नहीं दे पाए। इस मुद्दे को उठाए।